गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लाद्यत्वच पितृवत्मार्गदर्शिकता नमो सत्ताये श्रद्धाप्रज्ञायुताशया ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ विजय जी आप कहाँ से हो? हेलो हेलो मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है। मैं एमपी से ही हूँ, सीहोर जिले से रहता हूँ, रेहटी नसुल्लागंज के पास। अच्छा। हेलो। पहली बार भाई एस्ट्रोलॉजी सीखने का? नहीं सर, मैं आपके पास से पर ये फर्स्ट टाइम है। बाकी मेरा टेरो रीडिंग है, ओसोजन कार्ड रीडर, रेमेडीज एक्सपर्ट हूँ मैं। अच्छा, आप प्रैक्टिस करते हो? ये पहला कोर्स है सर। आपका स्वागत है।
हेलो, कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, बताएं, आवाज आ रही है आपको? लाइफ कैसी चल रही है आपकी? क्या जानना है आपको? कहाँ से हो आप? क्या जानना चाहते हैं? आपके पार्टनर का क्या नाम है? आपके पार्टनर का? और पार्टनर का नाम? अच्छा अच्छा कब से पार्टनर हैं आप? कोई प्रॉब्लम चल रही है आपकी? क्या आपकी और आपके पार्टनर की कोई प्रॉब्लम चल रही है? किस विषय को लेकर? अच्छा, मत शर्मा करिए, लगना ठीक नहीं होता, लड़ना ठीक नहीं होता, इसलिए लड़ाई मत करिए। ये बताएं ना, क्या बताएगी? क्यों हमारे पार्टनर को मिलेगी नहीं मिलेगी आपके क्यों नहीं मिलेगी आपके पार्टनर आपको? जाएगी मिल जाएगी। टाइम लगेगा उसमें, थोड़ा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है क्या इसमें आज का जो टॉपिक हम लोग को कवर करना है उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। वो विषय है, हम लोग जो है इसको समझेंगे, केपी सिस्टम को कैसे यूटिलाइज करके अपनी एक्यूरेसी को आगे बढ़ाना है, वो हमको समझना है। अपना अपना वीडियो आप लोग ऑन कर लीजिए। निशेश जी, विजय कुशवाहा जी, अपना वीडियो ऑन कर दीजिए।
आज का टॉपिक थोड़ा सा नया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम दीजिएगा इसको समझने के लिए। अगर समझ पाएंगे तो काफी अच्छा प्रेडिक्शन आप कर पाएंगे। अपना वीडियो ऑन करिए। वीएम जी आप कहाँ से हो? विजय कुशवाहा जी अपना वीडियो ऑन कर लो। बीएम जी आप कहाँ से हो? विजय हेलो जी आप कहाँ से हो? सर, मैं एमपी से ही हूँ। नहीं, ये विजय कुशवाहा तो ठीक है, ये बीएम एक और नहीं आ गया, ये कौन है? ये भी आप ही हो क्या? ठीक हाँ सर, अब भी नहीं याद। है, ये विषय ये है कि हम लोगों को कृष्णमूर्ति पद्धति को समझना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कृष्णमूर्ति पद्धति। तो कृष्णमूर्ति पद्धति का जो मेन पॉइंट है, जो आपको काफी, जिसको केपी सिस्टम शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, ये सिस्टम ऑफ प्रिडिक्शन है। किसी भी घटना को घटित होने के समय का प्रिडिक्शन केपी करता है। मान लो किसी भी व्यक्ति की कुंडली बदलती है, तो हमेशा तो उस व्यक्ति के जीवन में न सुख रहता है न दुख रहता है, एक गिलास पानी हमको दे दीजिए तो। और जो घटनाएं घटित होती है वो टाइम बाउंड होती है। एक निर्धारित समय पर उसका विवाह होगा, निर्धारित समय पर बच्चे आएंगे, निर्धारित समय पर उसकी प्रेमिका मिलेगी, निर्धारित, मतलब सब कुछ एक प्री डिटर्मिन टाइम पे होता है, ना पहले होगा ना बाद में होगा। तो ये समय कौन सा है, ये कैसे पता करेंगे? तो कृष्णमूर्ति ने एक मेथड ऑफ प्रिडिक्शन निकाला, ये वाला अगर आपको दिख रहा हो। कोई भी ग्रह अपनी दशा, अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा, इसको समझिए, दशा, अंतर दशा और प्रत्यंतर में फल किसका देगा। तो कृष्णमूर्ति ने कहा कि सबसे पहले जो ग्रह है, जिस नक्षत्र, उसका नक्षत्र स्वामी, जिस भाव का स्वामी, उसका फल देगा। सर इसको लिख लेते हैं। कोई भी ग्रह जो है, सबसे पहले फल जो है उस ग्रह का, जो नक्षत्र स्वामी, जिस भाव का स्वामी होगा, उसका फल देगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा कि स्वयं ग्रह की भाव स्थिति, स्वयं ग्रह जिस भाव में बैठा है। अक्सर हम लोगों के पास एक प्रश्न आ जाते हैं ना कि सूर्य पांचवें में बैठा हुआ क्या करेगा, तो सूर्य छठे भाव में बैठा हुआ क्या करेगा, सर ऐसे पूछ। प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। कोई भी ग्रह फल किसका देगा? तो सबसे पहला फल वो ग्रह जो है, उस ग्रह का नक्षत्र स्वामी है, जिस भाव का स्वामी है, उसका फल देगा। ग्रह का नक्षत्र स्वामी, जिस भाव का स्वामी, उसी का फल वो देगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये आ जाता है। और ये फल, जैसे सबसे ज्यादा फल वो ग्रह अपने नक्षत्र के भाव का स्वामी बनेगा। अब उसके बाद जो आता है बी कैटेगरी, ए कैटेगरी में तो वो अपने नक्षत्र के भाव के स्वामी का फल देगा। अब जैसे ही बी कैटेगरी में आप जाते हो, तो स्वयं ग्रह की भाव की स्थिति, मतलब स्वयं जिस, वो ग्रह जिस भाव का स्वामी, उसका फल देगा। और सी कैटेगरी में नक्षत्र स्वामी का स्वामी, उस नक्षत्र का, अब जिस भाव के नक्षत्र का वो स्वामी है, वो स्वामी जहां पे है उसका फल देगा। तो ये ए बी सी, ये फल होते हैं ए बी सी। डी कैटेगरी का फल वही आएगा जहां पे प्लस साइन, ये हमेशा याद रखिएगा। बी में क्या है सर? बी में डी में स्वयं ग्रह जहां पे स्थित है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ग्रह पांचवें भाव में स्थित। तो पहली कैटेगरी का फल वो ग्रह जो है, जिस नक्षत्र में बैठा है उसके स्वामी जहां बैठा है, उसका फल। ये बड़ा टिपिकल हो गया है। मान लीजिए शनि सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो शनि की हाँ महा सूर्य का फल आने लगेगा।
और चौथे कैटेगरी का फल वहीं पे मिलता है, स्वयं ग्रह का स्वामित्व। ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वयं ग्रह का स्वामित्व। अक्सर हम लोग इसमें परेशान हो जाते हैं, पर सोचते हैं कि इसका फल सबसे कम मिलेगा। इसका फल उसी में मिलेगा जिसमें प्लस साइन लगा हुआ है। इसको अनटेनेटेड टेनेटेड के भाषा में बोला जाता है, इकरा टेनेटेड है अनटेनेटेड। तो जहां पे प्लस है वो चौथे भाव के स्वामी। वॉइस डिस्टर्बेंस इसके पीछे से आ रहा है मुझे सर, आवाज नहीं आ रही है आपको? आवाज पूरी डिस्टर्बेंस कट कट के आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा। डिस्टर्बेंस हो अच्छा, रहा है बहुत ज्यादा। अभी आ रही है? आपके अलावा, आपके अलावा और किसी का माइक जब भी ऑन होता है तो आपकी आवाज दब जाती है। रुक जाइए, म्यूट। अभी देखिए आवाज आ रही है आप जी लोग? अभी ठीक आ अभी रही है। देखिए, अब इसको फिर से हम लोग समझेंगे। ये मेन पॉइंट है कृष्णमूर्ति पद्धति का, इसी में सारे प्रिडिक्शन आ जाते हैं। कोई भी ग्रह अपनी दशा, अंतरदशा और महादशा में फल किसका देगा, ये प्रश्न है। कृष्णमूर्ति ने कहा कि कोई भी ग्रह उसका फल देगा जिसमें जिस भाव के नक्षत्र का वो स्वामी है, उसका सबसे ज्यादा फल देगा। उसके बाद स्वयं ग्रह की जो भाव की स्थिति है उसका फल देगा, उससे कम नक्षत्र स्वामी का स्वामित्व जहाँ है उसका फल देगा, और सबसे कम स्वयं ग्रह का स्वामित्व जहाँ उसका फल देगा। अब अगर हम इस कुल चार्ट को देखें और इसको समझें, अब इस चार्ट को चौथे भाव से समझिए। जैसे अगर आप सूर्य को देखते हो तो इसमें देखिए सन जो है किन किन भावों का सन। ये सन हुआ, सूर्य के पास कौन कौन सी राशि आती? सिर्फ एक ही राशि आती है, 5 नंबर यही राशि आती है सूर्य की ना। इसका मतलब 5 नंबर कहाँ है? देखिए 5 नंबर यहाँ है। सूर्य अपनी दशा अंतरदशा के अंतर्गत सबसे कम फल इसी का देगा। ये बात समझ में आ गई आपको? अब रिपीट इसको, करिए एक हाँ बार, जी, एक बार रिपीट करिए यहां पर 5। सबसे एक प्रश्न है। देखिए कृष्णमूर्ति पद्धति क्या कहती है, उसको बहुत अच्छे से समझिए। किसी भी ग्रह की दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा में वो ग्रह कौन सा फल देगा, यही ना प्रश्न हमारे मन में आता है कि क्या होगा। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वो ग्रह जो है सबसे पहले उस जिस ग्रह के नक्षत्र स्वामी में वह ग्रह है उसका भाव जहां है सबसे पहले उसका फल देगा, और सबसे कम फल उसका देगा जिस घर के का वो खुद का स्वामी है। जैसे हमने आपको एक एग्जांपल दिया, अभी बता देंगे, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सारे नंबर आ जाते हैं। ये कौन सा भाव है जहां पे 5 नंबर लिखा है? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये दशम दशम भाव हुआ। अब जी। केपी सिस्टम को खोलेंगे, देखिए इसमें साफ साफ देखिए डी ऑर्डर में लिखा है, सूर्य के आगे दशम। आपको कुछ करना नहीं, ये सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। ये 10 नंबर का मतलब दशम भाव, सबसे पहले कम फल किसका मिला? दशम भाव का, मतलब कोई फल नहीं मिलेगा, ऐसे समझ लो। सूर्य अपनी दशा दशा के अंतर्गत दशम भाव का कोई फल नहीं मिलेगा, मतलब इसमें आपको सोचना नहीं है। अब किसका किसका फल देगा, जैसे यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, तो आप ऐसे समझो 75% इसका देगा, 50% इसका देगा, 25% इसका देगा। यह है कैटेगरी का डिविजन, मतलब दूसरा वो 12वां, सूर्य की दशा और अंतर दशा के अंतर्गत, प्रत्यंतर दशा के अंतर्गत, सूक्ष्म दशा भी जब, तो ये दो काम करेगा। कौन कौन से दो काम करेगा? दूसरे भाव को एक्टिवेट करेगा और 12वें भाव को एक्टिवेट करेगा। सेकेंड हाउस एक्टिवेटेड होगा और 12th हाउस एक्टिवेटेड होगा, ये दो काम करेगा। अब हमको क्या समझना है कि दूसरे भाव में कौन कौन सी चीजें आती,
ये आपको जानना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि क्या होने वाला है। यह व्यक्ति अगर धन का अर्जन कर रहा है तो दूसरा भाव का मतलब धन आएगा और 12वां का मतलब खर्च हो जाएगा। 12वां भाव सिर्फ व्यय नहीं होता, 12वां भाव हॉस्पिटल का भी होता है, विदेश यात्रा का भी होता है, जेल की यात्रा का भी होता है। पर क्या ये तीनों घटनाएं उस व्यक्ति के साथ घटेंगी? तो ये और ग्रह मिलकर के डिसाइड करेंगे, अकेले सूर्य नहीं निर्धारित कर पाएगा। और भी प्लैनेट जो उसके कुंडली में बैठे हुए हैं वे सब मिलकर के डिसाइड करेंगे इस व्यक्ति के साथ क्या होगा। पर किस भाव से संबंधित फल होगा, अब ये डाउट आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर सूर्य की महादशा अंतरदशा में ये व्यक्ति पूछ रहा है कि हम प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, तो आप कहेंगे नहीं खरीद ले पाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी दूसरे भाव में आती ही नहीं है, प्रॉपर्टी 12वें भाव में तो है नहीं। तो ये एक प्रिडिक्शन की बहुत माइन्यूट टेक्निक है, और इसके आगे का हम आपको पढ़ाते हैं, उसको बहुत बड़े ही ध्यान से समझिए। जितना आप ध्यान ओके लगाएंगे सर, इनका सूर्य में किसकी अंतर्दशा चल रही है? ठीक तो छोड़िए, अभी आप लोग 15 मिनट तक मत बोलिएगा, हमको 9 बजे पढ़ा लेंगे, 9 बज के आप बोलिएगा। अब इसमें करना क्या है, होता यह है कि कोई भी जातक आता है तो आपके पास एक प्रश्न लेके आता है, उसमें आपको यूज करना है विंशोत्तरी महादशा का, जो 120 साल की महादशा चलती है उसी का यूज करना है। अब हम लोग करेंगे क्या प्रेडिक्शन करने के लिए, ध्यान से समझिए। अगर यह जातक आज की डेट में हमारे पास चार्ट चेक कराने आए, तो आप इसमें चेक करो कि किसकी दशा, किसकी महादशा और किसकी अंतरदशा चल रही है। उसको बोलते हैं मैड, मैप, नॉट मैड, इट इज कॉल्ड मैप, इसको बोलते हैं मैप। मैप को समझिए, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा। अंतरदशा अब इसमें मैप में क्या करते हैं, महादशा को निग्लेक्ट, महादशा खत्म कर दीजिए। क्यों कर दें? कभी कभी प्रश्न आता है, भाई महादशा को ही क्यों खत्म? इसका सीधा सा उत्तर है, क्योंकि महादशा लंबे समय की होती है। अगर हम आपको प्रिडिक्शन कर दें कि मंगल की महादशा 2000 से 2018 तक इस व्यक्ति की चल रही है, मंगल की नहीं, राहु की, और इस दौरान यह व्यक्ति बहुत परेशान होगा, ये व्यक्ति मानेगा? ये तो 18 साल का पीरियड है, तो 18 साल के अंदर ये कौन सा प्रिडिक्शन मैंने कर दिया कि आप बहुत परेशान रहेंगे? ऐसे प्रिडिक्शन जो है फालतू कहे जाते हैं, इसलिए महादशा को छोड़ देना है आपको। अब आपको देखना है अंतर और प्रत्यंतर। अब अंतर और प्रत्यंतर के लिए इसी चार्ट को अगर आप थोड़ा सा रिफाइन करेंगे, जैसे राहु की गुरु की महादशा देखिए, इसमें 2034 तक मैंने क्या किया, गुरु को एक बार क्लिक किया तो अंतर आ गया। देखिए गुरु में, गुरु अब गुरु में शनि 20 जनवरी तक था, अभी गुरु में बुध चल रहा है। तीन भागों में आपको लेना, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा। मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, तो अब एक गिलास पानी दे दीजिए। तो अब आप इसमें करेंगे क्या, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा। महादशा को पूरी तरह छोड़ देना है। अब ये देखिए, जैसे ये गुरु चल रहा है, इस गुरु को आप पूरी तरह छोड़ेंगे, ये इसको लीव कर देना है, नहीं देखना, पूरी तरह गुरु को छोड़ दिया। मुझे एक गिलास पानी दे दो, प्यास बहुत है। प्यास लग रही है, ब्यूटी प्यास लग रही सर है, चाचा से मत नहीं था कुछ, हाल नहीं, दो ही चार मत बता। अब इसमें करना क्या, देखिए इस समय की दशा के अंतर्गत 15 मई 2023 तक हमने नोट कर लिया, बुध की महादशा है, बुध का प्रत्यंतर है। ये विषय अगर सभी को समझ में आ गया हो तभी हम आगे बढ़ेंगे, जिसको नहीं समझ में आया वो पूछ ले एक बार। ये विषय समझ में आया? जी आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें करना क्या, देखिए सिंपली
इसमें आपको कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करनी है। इसमें इस जातक के साथ जो चल रही है बुध की महादशा है, बुध का प्रत्यंतर है, ये आप नोट कर लीजिए। बुध की महा अंतरदशा और बुध का प्रत्यंतर चल रहा है। अब बुध में बुध चल रहा है, अब बुध कर क्या रहा है, यही है प्रश्न आपका। अब इसी के उत्तर के लिए ये जो ग्रह निर्देशन खाका 2 लिखा हुआ है, यहां पे हम जाएंगे। देखिए यह बुध ये है, 9, 12, 2, 5। आज तक जिन लोगों ने क्लासेस मिस की हो कोई बात नहीं, पर अभी से मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस व्यक्ति के साथ 9 हो रहा है, 12 हो रहा है, 2 हो रहा है, 5। अब देखो मैंने जो पढ़ाया था कि ये वाला जो है बहुत कम पावर के साथ, इसको कैंसिल कर दीजिए। इस व्यक्ति के साथ हो क्या रहा है, 9, 12। एक चीज पढ़ाई गई थी जो वैदिक ज्योतिष में, कि 6, 8, 12 जो होते हैं त्रिक भाव कहते हैं। इन्हीं क्लासों में मैंने पढ़ाया, ध्यान से समझिएगा। 6, 8, 12, छठा हाउस, 8वां और 12वां, ये त्रिक है, ये मुसीबत के कारण है। अब इसमें हो क्या रहा है, 9वां भाव एक्टिव है, 12वां भाव एक्टिव, यही दो काम हो रहा है। 9वां भाव व्यक्ति के धर्म का भाव है, 12वां भाव व्यक्ति का व्यय भाव है। कभी कभी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन भी 12वें के अंदर आ जाता है, जेल की यात्रा भी 12वें के अंदर है, विदेश यात्रा। ये काल इस व्यक्ति के लिए अच्छा है या बुरा, क्योंकि भाग्य भाव इसका जागृत है, धर्म का भाव जागृत है, ये बहुत अच्छा समय है, इस व्यक्ति को विदेश यात्रा या तीर्थ यात्रा का अवसर प्राप्त हो। ये है आपका कंक्लूजन। और ये कब प्राप्त होगा, 15 मई 2023 तक। ये कौन सा महीना चल रहा है, ये महीना चल रहा है 15, आज है 22 मार्च, और हमने प्रिडिक्शन किया 15 मई 2023। कितने दिन का प्रिडिक्शन है बताइए, ये बहुत शॉर्ट प्रिडिक्शन है। और आप ये प्रिडिक्शन सटीक इस व्यक्ति के साथ बैठेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बैठेगा, इट विल बी करेक्ट फॉर दिस पर्सन। अब अगर यह व्यक्ति आपसे प्रश्न करता, भाई व्यक्ति भी तो पूछता है, वो तो साइलेंट मोड में रहेगा नहीं। इन्होंने आपसे प्रश्न पूछ लिया कि मेरी लाइफ कैसी चलेगी। अब लाइफ को देखना है, पूरा जीवन देखना है, तो देखो इसका सबसे सटीक फार्मूला ये होता है, बहुत आसान सूत्र है केपी सिस्टम में, ये जो नंबर्स हैं इन दोनों खानों के, इसको देख लीजिए, यही उस व्यक्ति का जीवन है। ये बहुत कम पावर के साथ होता है, ये होता नहीं है, क्रॉस कर दीजिए इसको, बस यही दो बचे। इस व्यक्ति के बारे में आप बहुत स्पेसिफाई कर सकते हो इन इस पहले और दूसरे नंबर को देख करके। अब कौन सी नंबर सबसे ज्यादा है आप में से अगर कोई गिने, तो देखिए 12 नंबर, एक बार यहाँ, 2, 3, 4, 5, 6, 12 नंबर 6 बार आ गया। दूसरा गिनिए, 2 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 2 नंबर 4 बार आ गया। तीसरा 7 गिन लिए, 1, 2, 3, 4, 7 4 बार आ रहा है। और भी कुछ आ रहा है इसमें, 9 2 बार आ रहा है। इसमें बड़े ध्यान से देखिएगा, इस व्यक्ति का छठा और आठवां बिल्कुल एक्टिव नहीं है। अगर इस व्यक्ति ने आपसे प्रश्न किया कि मैं बीमार रहूंगा, तो आप क्या उत्तर देंगे, नहीं नहीं रहेंगे क्या? और एक समस्या है, क्या यह व्यक्ति विदेश में हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल जेल में भी हो सकता है, दोनों जगह में से एक जगह, लेकिन जेल में ये क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि क्योंकि आठवां एक्टिव ये 9th हाउस एक्टिविटी है, ये अनवांटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है। अनवांटेड ओके एक्टिविटीज उसको कहते हैं कि ये डॉक्टर भी हो सकता है, अगर इसके कुछ प्लैनेट बहुत स्ट्रांग हो जाए, तो अक्सर आप देखेंगे कि 12th एक्टिवेटेड है, और व्यक्ति आपसे कहेगा कि मैं नर्सिंग की जॉब कर रहा हूं, मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर हूं। हॉस्पिटल में एडमिट होना और हॉस्पिटल में काम करना लोकेशन तो सेम हो गई, जेलर होना और कैदी होना लोकेशन तो सेम हो गई, तो कभी कभी ये भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। तो इससे थोड़ा सा इन सब चीजों को आप वेरीफाई कर लोगे, तो प्रिडिक्शन बहुत आसान हो जाएगा।
अब इनकी बारे में अगर ये पूछे क्या मेरा डिवोर्स हो सकता है, तो आपका क्या उत्तर होगा? नहीं। भले से इनकी लाइफ में डिस्प्यूट होगा पर इनका डिवोर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उस विषय में हम आपको बताते हैं। देखिए, जो सप्तम भाव होता है वो हमारा पार्टनर्स का है, हमारी वाइफ का है, अच्छा विवाह का है, और किसी भी भाव का 12वां भाव, ये दिमाग में नोट कर लीजिए, किसी भी भाव का 12वां भाव, कुछ भाव को छोड़ करके जहां पे ये रूप नहीं लगता, अपोज करता है उसको, उसका विरोध करेगा। जैसे सप्तम भाव अगर अगर वाइफ का है तो छठवां भाव डिवोर्स कराएगा, सप्तम भाव पार्टनर का है, छठवां भाव नौकरी का हो जाता है। तो इसमें सिक्स हाउस का एक्टिवेशन नहीं हुआ, तो वाइफ से भले से हो अच्छा गई बट ये डिवोर्स की तरफ नहीं जाएगा। दूसरी बात, इसमें अगर आपको ये बताना पड़े क्या इनके पास प्रॉपर्टी होगी, ये एक विषय बहुत आ जाता है कि मेरे पास लैंड प्रॉपर्टी है कि नहीं है, मेरे पास मकान होगा कि नहीं होगा, तो ये लैंड प्रॉपर्टी चौथे हाउस में आती है, फोर्थ हाउस। केपी बहुत ही मतलब आप जान लीजिए कि पिन पॉइंट प्रेडिक्शन करती है। अब फोर्थ हाउस में तो आपने एक दो तो गिन लिया, उसको तीसरे को भी इंक्लूड कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वो घर मकान तो देखो 10-20 तो होते नहीं है, एक होंगे, दो होंगे, तीन, यही तक व्यक्ति जाता है, 10-15-20 पे तो जाएगा नहीं। तो आप तीसरे स्टेज तक जाके देखो क्या वहां पॉसिबिलिटी चल रही है, बिल्कुल नहीं है। देखिए, तो ये लैंड और प्रॉपर्टी को लेकर के ये स्ट्रगल करेंगे, इनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती, मतलब पिता के द्वारा बनाए हुए मकान में ये व्यक्ति रह सकता है। कुछ प्रिडिक्शंस जो है ना, थोड़ा सा आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे अगर समझाने का प्रयास करेंगे तो बड़े आसानी से पता चलता है, ये अपने फादर के मकान बनाए हुए मकान में रहेगा। अब ऐसा आप नहीं कहो कि भाई आप रेंट के मकान में भी रह सकते हो, अगर आपको प्रॉपर्टी मिलेगी तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिलेगी। अब इसमें समस्या एक बात की ये आ जाती है कि इफ दे बोथ आर मैरिड, तो हो सकता है वाइफ की कुंडली में चौथा भाव एक्टिवेटेड हो। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि मकान वाइफ के नाम से हो, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। तो उस स्थिति में चौथे भाव का उत्तर अगर आपको इसमें नहीं मिलना है, तो कहिए कि अपनी भी कुंडली दिखा लिया आपने, अपनी वाइफ की दिखा लीजिए, हो सकता है वहां पे पॉसिबिलिटी बने। तो केपी एकदम पिन पॉइंट करेगा इवेंट, और हमेशा आपको अंतर और प्रत्यंतर को देखना। बच चुके हैं 9, 5 मिनट और ध्यान से सुन लीजिए, फिर आप लोग पूछ लीजिएगा अपने प्रश्नों। अब हम लोग क्या करना है, ये बात विषय समझ में आएगा तो अगली कक्षा में हम आपको और भी विषयों को बताएंगे, कौन कौन से हाउस के एक्टिवेशन से क्या क्या घटनाएं मनुष्य के जीवन में होती हैं। पहली बात हमें समझनी है कि 1 से 12 तक एक कुंडली में 12 भाव, कुंडली में कुल होते हैं 12 भाव, हर भाव का कुछ फल होता है व्यक्ति के जीवन में, और जो फल होता है जब वो हाउस एक्टिवेट होगा तभी उस भाव से संबंधित फल उस व्यक्ति को मिलेगा, न कि अन्य अवस्था में मिलेगा। दिस हैज टू बी क्लियर। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति का 5वां घर एक्टिवेटेड है और उसका फल 8वां को मिलेगा, नहीं, वो हो ही नहीं सकता, मिलेगा ही नहीं। और हमें अंतरदशा और प्रत्यंतर को फोकस करना है, महादशा पे फोकस बिल्कुल नहीं करना, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आप अंतर प्रत्यंतर पर फोकस करेंगे तभी प्रिडिक्शन अच्छा कर पाएंगे। अभिषेक पांडे जी, आपको सुनाई दे रहा है? अच्छा, हाँ गुरुजी, सुनाई दे रहा है गुरुजी। आप एकदम गार्डन में घूम रहे हैं, घूमिए घूमिए, ऑफ कर लीजिए। नहीं नहीं गुरुजी, अभी अभी जो है बस जस्ट बाहर निकला हूँ गुरुजी। विवेक मुद्गल जी, आप कहाँ से जुड़े हैं? भोपाल से। सर अच्छा, आप भी ज्योतिष की प्रैक्टिस करते हैं क्या? सीखिए, प्रैक्टिस तो नहीं करते लेकिन मैं सीखना चाह रहा हूँ। सीखिए। आज आप पहली बार कक्षा में आए हैं क्या? नहीं सर, सेकंड टाइम। अच्छा, आप परमानेंटली कक्षा ज्वाइन कर लीजिए, हमारी ज्योतिष की कक्षाओं की दो मतलब आपके पास मिलेगा, एक तो आपको सिखा देंगे और जी दूसरे सर। आपको प्रैक्टिस का मौका दे देंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ज्योतिष आती नहीं, जितना जी जितना जी जी अभ्यास करेंगे ना
तो एक ही भाव के कई स्वरूपों का वर्णन कर सकते हैं। जी तो आपकी अगर इच्छा जागृत हो तो मेरा नंबर है आपके पास, जी जी नंबर है मेरे पास आपका। हाँ मैसेज करके क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज जी अभी जी दो मिनट डिफरेंट क्लासेस थी मैंने बंद कर दी, अब ये रियल की क्लासेस चल रही है, इसमें पढ़ा करके मुझे 5 अप्रैल तक ये पूरा बैच खत्म कर देना है, फिर उसके बाद मुझे नया बैच चलाना है। और आप लोगों को पढ़ाने के बाद ऑनलाइन, आपके पास थोड़ा समय बचता है क्या, जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको जॉब दिलवा देंगे जहाँ पे आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा आपका जी नॉलेज बढ़ेगा, आप पढ़ते रहिएगा। जी ज्योतिष जी 10-15 कक्षाओं में से हिट नहीं किया जा सकता, ये पूरे जीवन की पढ़ाई चलती है। और कभी जी कभी जो आपका इंट्यूशन होता है ना, जिसको बोलते हैं अंतः प्रज्ञा, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है, और अंतः जी प्रज्ञा जिसकी जितनी अच्छी होगी वो व्यक्ति उतना अच्छा ज्योतिषी होगा। आजी जी आपको समझ में आ रहा है, चलिए। गुरु जी, हेलो गुरु हाँ जी। जी, हाँ गुरु जी मुझे एक समस्या ये है कि अभी जो है उस टाइम मेरा जो है 8 से 8:30 से 9 बजे के बीच में जो है मेरा ऑफिस टाइम रहता है, जैसा कि मैं 9 बजे ऑफिस छूटता हूँ, जैसे अभी मैं निकल रहा हूँ, तो थोड़ी क्लास है मेरी थोड़ी छूट गई है 10-15 मिनट की, हम आपको ना तो वीडियो पे अभी ना 4-5 दिन का वीडियो अपलोड करेंगे, साथ ही वीडियो 5-6 दिन के अपलोड नहीं किए, 5-6 क्लासेस सब जी देख गुरु जी, लीजिए। मुझे इंतजार रहेगा, धन्यवाद। और आज का केपी सिस्टम जो है उसको बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिए कि हमें फोकस करना है अंतर्दशा और प्रत्युत्तर दशा पे, और केपी में कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको, केपी चार्ट नहीं बनाना है, केपी चार्ट जो है सॉफ्टवेयर अपने आप बना के देता है, ये वाला जो चार्ट है ना ग्रह निर्देशन खाका 2, ये सॉफ्टवेयर आपको खुद बना के देगा। जब आपको सॉफ्टवेयर खुद बना के दे रहा है तो इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, आई डोंट हैव टू यूज माय ब्रेन। इस ग्रह निर्देशन खाका 2 को ले जाकर के विषुवत्री महादशा से मैच करा देना, उस समय लग्न चार्ट भी नहीं देखना है, किस लग्न की कुंडली बन रही है, कौन सी राशि है, ये सब नहीं जानना, हमें ग्रह निर्देशन खाका 2 से ले जाकर के इसको मैच करा लेना है। जब आप इसको मैच करा लोगे बस वहीं से आपका काम शुरू हो जाएगा। अब इसमें एक बात और भी होती है कि जैसे ये देखिए, गुरु में बुध और राहु, अगर आपको ये चेक करना हो कि बुध और राहु में इस व्यक्ति के साथ पर्टिकुलरली हमारे जातक के साथ क्या हो रहा हो, हमारा जातक जब बुध और राहु में होगा तब क्या होगा, तो उसके लिए सिंपली आपको ये करना पड़ेगा कि पेन पेपर का यूज करिए, देखिए यहाँ पे बुध चंद्रमा, अगर हम चेक करें बुध बुध से थोड़ा सा आगे बढ़े और बुध केतु में आ जाएं, 2 जुलाई 2023, बुध देखिए 9/12/25 मैंने कहा वो तो है ही, 9/12/25, और केतु में क्या हो रहा है देखिए, 2/8/3/4 है, ये देखिए 9/12 और 2/8, ये स्थिति है जातक की। केतु जो है प्रत्यंतर में आ रहा है 9/12 और 2/8, ये अष्टम जैसे 6/8/12, इनको त्रिक भाव कहा जाता है, 6 में रोग आता है, अष्टम व्यक्ति की मृत्यु का होती है, 12वां व्यय भाव, तो ये आयु और व्यय ये 6 8 12 प्रॉब्लमेटिक होते हैं, इसमें देखो 12 और 8 एक्टिव, एडवांटेजेस के पास क्या है कि इसका 6 एक्टिव नहीं है। ये अष्टम भाव जो होता है अभी के पीरियड में जितने भी चार्ट आप देखेंगे, जो हमारी सीक्रेट रिलेशनशिप होती है ना, लिविंग इन रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं, ये अष्टम ही है, किसी भी चार्ट को अगर आप देखो उसमें आपको ऐसा लगे कि अष्टम एक्टिवेटेड है कहीं ज्यादा पावर के साथ, तो उस समय व्यक्ति के फिजिकल रिलेशंस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, एंड दैट इज नॉट मैरिड रिलेशंस। अब आपके पास चार्ट मिला कि मुझे इससे शादी करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो अगर अष्टम एक्टिवेटेड व्यक्ति की शादी विदाउट अष्टम एक्टिवेटेड के साथ आप करा देंगे वो तो प्रॉब्लम में होगा, 8वें का एक्टिवेशन व्यक्ति को मुसीबत में ले जाता है,
एक बात, आठवें का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको समझे, अष्टम में ज्योतिष भी है, अष्टम में तंत्र भी है, अष्टम में मंत्र भी है, अष्टम में शोध भी होता है। जितने रिसर्च स्कॉलर होते हैं जो बहुत डीप थिंकिंग करते हैं, शोध करते हैं, ये सभी अष्टम एक्टिविटी। पर गुप्त धन गुप्त धन भी जाता है, ससुराल का धन भी जाता है, दहेज डाउरी का धन। ससुराल का धन भी अष्टम में ही आता है। किसी व्यक्ति को ससुराल से बहुत ज्यादा दहेज मिलेगा कि नहीं, ये भी अष्टम ही बताएगा। आपके ससुर जी या कैसे होंगे दादू, वो भी अष्टम ही बताता है। बहुत सारी चीजें आती हैं उसमें, बट मेन एस्पेक्ट जिस पे फोकस करना है वो है कि अष्टम व्यक्ति को कहीं ना कहीं गलत दिशा में लेके जाता है। ये है, कई बार अगर आप अष्टम को एक्टिवेटेड देख लें चार्ट में तो आप उससे क्वेरी करो, बोलेगा हाँ, बिना कहे मान नहीं सकता, कहेगा कि हाँ हमारे साथ ये हो रहा है। दूसरी बात, जब भी आप कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो प्रेजेंट कंडीशन पे आप फोकस करो, उस व्यक्ति की जो प्रेजेंट कंडीशन है उस पे फोकस करिए। अब वो आपको अंतरदशा महादशा बता देगा, जो अंतरदशा और प्रत्यंतर होता है ना, ये बता देगा व्हाट इज द प्रेजेंट कंडीशन। एक इसमें एक और चीज आती है कि सोल्यूशन, सोल्यूशन में व्यक्ति दो सोल्यूशन चाहता है, वो कर्जे में फंस गया, उसको कर्जे से छूट, उसके जीवन में प्यारा ब्रेकअप हो गया, उसको प्यार पाना, तो ये सोल्यूशन वाली कंडीशन भी 12वां ही होती है। जैसे छठे का सोल्यूशन 7वां है, उसका अगर वाइफ से झगड़ा हो रहा है सप्तम एक्टिवेटेड होगा, ठीक होगा। और आठवीं का सोल्यूशन भी क्या है, आठवीं का सोल्यूशन भी 7वां ही है। अगर अष्टम एक्टिवेटेड है और कुछ दिन बाद सप्तम एक्टिवेटेड हो गया तो अष्टम सप्तम को खत्म कर देता है। अगर पावरफुल हो तो वो व्यक्ति सही दिशा में चलने लगता है। उसी तरह अष्टम जो है भाग्य भाव का भी विरोधी भाव है। अष्टम को क्यों बुरा माना जाता है, क्योंकि काम जो है दुर्भाग्य है और राम जो है सौभाग्य है। ये हमेशा जीवन में इसको समझ लीजिएगा, ये जो नौवां भाव होता है ये धर्म का होता है और अष्टम भाव जो होता है ये काम का होता है। तो ये तो दुर्भाग्य है और ये सौभाग्य है। तो किसी भी रूप में किसी व्यक्ति को शॉर्ट टर्म के लिए प्लेजर हो सकती हैप्पीनेस हो सकती है, खुशी हो सकती है, बट वो लॉन्ग टर्म में दुर्भाग्य है, कहीं ना कहीं व्यक्ति के कार्मिक कनेक्शन को खराब कर रहा है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति आने वाले भविष्य में दुख का भागी होगा। लेकिन वही नवम भाव, अगर वो धर्म के मार्ग पे है, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, तीर्थ कर रहा है, भगवान के नाम का स्मरण कर रहा है, तो वो अपने लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सुख का सृजन कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा रखिएगा, हमें ना ज्योतिष का विश्लेषण करते वक्त इम्पार्शियल होना है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति हमसे सलाह लेते लेते हमने उसको ऐसी सलाह दे दी जिससे वो कुमार्ग पे चला गया, तो हमें उसको संभालना भी है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ हिम, हमें उसे ज्योतिषी सलाह सिर्फ मार्गदर्शन नहीं करना है, हमें उसका ख्याल रखना है। भाई वो हमारे पास आया ख्याल रखने ना, हमें उसे सब कुछ बताने के बाद धर्म का मार्ग जरूर बताना। एक बात और बता दें कि कहीं कैसा भी व्यक्ति मिल जाए आपको, उसको आप मंत्रों से जरूर जोड़ दिया करिए। इसका इसके पीछे का लॉजिक ये है कि वह व्यक्ति जो है अपने विचारों को शुद्ध करेगा। विचार शुद्ध भगवान के नाम से ही होते हैं, जैसे वाल्मीकि जी का उदाहरण, उल्टा नाम जगत सब जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समान। उल्टा नाम जपा उन्होंने, मरा मरा और समान, जबकि वो बहुत बड़े डिकॉय थे और सारी रामायण उन्होंने लिख डाली हम सबके। तो अब उनके ऊपर इतना प्रभाव हुआ तो छोटा मोटा प्रभाव तो हर व्यक्ति के ऊपर ही हो सकता है। तो जब भी कोई जातक आपसे कुंडली का विश्लेषण करा ले तो 15 मिनट करने के बाद 18वें मिनट में उसे उपाय जरूर बताइए, महोदय आपको सलाह दी जाती है कि आप रोज सुबह उठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक एक माला रोज जप करिए। अब इसका प्रभाव ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाने में क्या करने वाले, भाई उसके मन में जितना बड़ा कार्मिक पाप भरा होगा उतना समय लगेगा हटने में, लेकिन कुछ तो हटेगा। जैसे कपड़ा साफ करने से पानी
कुछ ना कुछ गंदगी तो कम ही होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कपड़ा को धुला जाए उसमें से गंदगी ना निकलेगी। अगर ज्यादा गंदा होगा तो थोड़ा और गंदा हो जाएगा, दोबारा धुलाई की जाएगी, मतलब वो बेहतरी की तरफ जाएगा। सीधे सीधे अगर किसी व्यक्ति को आप बताएंगे कि नहीं ये गलत मार्ग है, इस पे मत जाओ, वो नहीं मानेगा। तो इससे थोड़ा टैक्टिकली बचना चाहिए। इसको बोलते हैं ना कि बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर वी शुड बी इथिकल बट टैक्टिकल। आप उसको टैक्टिकली डील करिए, जब आप उसको टैक्टिकली डील करेंगे वो अपनी आप सारी बातें बताएगा। वो आपको पता चल गया भाई कि इसके दुख का कारण क्या है, इसके मन में कहीं कोई गंदगी है, कहीं ना कहीं कोई कर्म इसका परेशान कर रहा है, तो उसको भगवान रूपी एक साबुन पकड़ा दीजिए, कोई मंत्र पकड़ाइए, कहिए कि इसका 21 दिन 3 दिन वाला जप कर सकते, और फिर हमको बताना। कुछ अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करो, कुछ अच्छे साहित्य का अध्ययन करो। तो इससे इसका प्रभाव क्या होगा कि आपने उस व्यक्ति के नवम भाव को एक्टिव कर दिया। इसको बहुत ही साइंटिफिकली समझिए, उस व्यक्ति का नवम भाव एक्टिव हुआ। अब नवम भाव जो है दसम भाव का 12वां भाव है, और दसवां क्या है? कर्म है। मतलब जो जीवन में हमें प्राप्त होता है वो कर्म से ही प्राप्त होता है। फिर हम कर्म प्रधान विश्व वैसी रास्ता जो जस करे सोई बल छाकर। तो नवे भाव को आपने एक्टिव करके उसके दसम को कंट्रोल कर दिया है। अब वो अच्छे कर्म करेगा और उसको अच्छा परिणाम मिलेगा। ये पूरी तरह से साइकोलॉजिकल है और साइंटिफिक है, अगर आप इसको समझेंगे। अब जैसे हम सब भी अगर अपने नवम भाव को एक्टिव करें, मतलब हम धर्म के मार्ग पे चलें, अपने विचारों को रोज आधा घंटा देखें कि हमारे मन में किस किस तरह के विचार होते हैं, आप पाएंगे कि अगर आपने 21 दिन तक अपने विचारों को देख लिया तो आप दूसरे को विचार पढ़ने लायक हो जाते हैं। ये बहुत साइंटिफिकली काम करता है। आपसे जो भी बात करेगा उसे प्रेममय होकर के बात करिए, और अपने को शुद्ध नित्य शुद्ध आत्मा पढ़िए। किसी से बात करते वक्त 3 विचार मन में ले आइए, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मेरे रोम रोम में परमात्मा का प्रकाश है, और मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो भी ईश्वर की सत्ता, और फिर उसे बात करके देखिए। आधे से ज्यादा उसके विचार आप पढ़ना शुरू कर, विचार पढ़ने की, विचार संप्रेषण की सबसे अच्छी कला होती है। तो आज का विषय 9:15 जी समाप्त करना है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपके पास कोई प्रश्न हो तो पूछिए, हमें उत्तर देंगे। परी जी अपना वीडियो अगर आपको आपत्ति न हो तो ऑन कर लीजिए। विवेक मुद्गल जी, विजय कुशवाहा जी। गुरु गुरु जी, जी वो इसका बेसिक समझ में नहीं आया कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर से, कैसे क्या देख रहे हैं। आप बहुत देर से जुड़े थे क्या? हाँ थोड़ा लेट हो गया था, आज ट्रैवलिंग हम वीडियो आप में देख थे। देंगे आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है नंबर का कैलकुलेशन, नंबर सॉफ्टवेयर का। ठीक है गुरु जी। सर ये केपी कोहली, हाँ जी हिना जी, आप कुछ पूछ रही हो? हाँ ये केपी कुंडली के अंदर ये दशा महादशा वाला ये फोन से ओपन हो जाता है, एक ही लैपटॉप या कंप्यूटर में ही ओपन करना पड़ता है। आपने एस्ट्रो स्टेज पे खोलेंगे तो खुल जाएगा। एक दिन हम मोबाइल से जोड़ करके कैसे खोलते हैं हम आपको दिखा देंगे, अपना स्क्रीन शेयर करके कि कहाँ पे केपी कुंडली ओके खोलते ओके, हैं। एस्ट्रो स्टेज में डालिए मोबाइल, हाँ डाली हुई है ऐसे तो। तो उसमें 3 लाइनों को टच करिए, जो राइट साइड में 3 लाइन है हाँ नीचे हाँ देखिए केपी लिखा हुआ, केपी खुला, ऊपर से स्क्रोल नहीं नहीं आ रहा, आएगा। ओके एस्ट्रो से जब खोलेंगे आप, अभी हम आपको जोड़ करके दिखा दें। केपी पद्धति आ गया। खुल गया? हाँ उसके अंदर रुकिए, अभी हम आपको अपना मोबाइल जोड़ दें खिड़की से, दिखाते हैं। ओके okay। सर प्रोग्रेस।